आइए हम कविता राव जी से मिलते हैं। कविता जी नमस्ते। नमस्कार। बहुत अच्छी लग रही है मेरे को आपसे बात करने में, बहुत ही खुश हो रही हूँ, खुश कविता जी अपने विषय में पहले बताइए जरा। साधारण हाउस वाइफ हूँ, घर में 5 लोग रहते हैं। पहले मैं पिछले 7 साल से दवाएं खरीद रही हूँ, एक फ्रेंड के जरिए मुझे मालूम पड़ा ऐसे केंद्र हमारे विश्व में उदयगिरी में ब्रांच है। मैं उधर जाकर कम दामों में और बढ़िया क्वालिटी के मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अच्छा, जनऔषधि केंद्रों से कैसे लाभ हो रहा है आपको? मतलब जनऔषधि केंद्र के मतलब पहले ससुर को हार्ट प्रॉब्लम था, खुद का बिजनेस चला रहे हैं, 15,000 उसमें हम लोग डायबिटिक और सास ससुर डायबिटिक और हाई हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारी की मैं आया हूँ, थायराइड बीमारी में अच्छा, वो आप सब मेरे में। अब जनऔषधि केंद्र में मेरे को 400-500 करके आपको कुछ भी मिलते हैं, आपकी नाम से। अच्छा, आप अपने क्षेत्र के बाकी लोगों को जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी देती हैं, इसका प्रचार करती हैं आप? बहुत दे चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, बहुत दे चुकी हूँ। मेरे नेबर्स फ्रेंड्स सभी को मैं यही बात करती हूँ, हमारे मैसूर में जन औषधि की दूसरी नाम है मोदी मेडिकल, मोदी मेडिकल की भरोसा। देखिए कविता जी, आप कर्नाटका से हैं और कर्नाटका में तो आईटी डिजिटल दुनिया एक बहुत बड़ी ताकत है। आप इनिशिएटिव लेकर के नौजवानों की मदद लेकर के सोशल मीडिया पर जन औषधि का सबसे ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं क्या? कन्नड़ भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लोग अपने अनुभव शेयर करें, छोटे छोटे वीडियो लगाएं। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग सोशल मीडिया के द्वारा जन औषधि का प्रचार करेंगे तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो उनमें अगर ये बात फैल जाएगी तो हमारे जन औषधि केंद्रों से हमारे मध्यम वर्ग के परिवार के बहुत पैसों की बचत होगी। और एक बार पैसा बचा मतलब जिंदगी में वो बहुत काम आता है। तो कविता जी, मैं हर किसी की चिंता करता हूँ, गरीब की भी करता हूँ, मध्यम वर्ग की भी करता हूँ, और आप जैसे लोग आके आकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप बीमारी से भी मुक्त रहें, बहुत लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।